भारत का इतिहास राजाओं और महाराजाओं की कहानियों से भरा पड़ा है। देश में आपको कई सारे किले, पुराने महल देखने को मिल जाएंगे। यही कारण है कि विदेशी पर्यटकों की भीड़ इन किलों के बारे में जानने के लिए उमड़ पड़ती है। लेकिन भारत में एक ऐसा किला भी मौजूद है जहां पर कहा जाता है कि भूत वास करते हैं, और इस बात को सिर्फ स्थानीय लोग ही नहीं बल्कि भारत सरकार खुद भी मानती है। अब आप जानना चाहेंगे कि आखिर इस किले का नाम क्या है, तो आपको बता दें कि इस किले का नाम भानगढ़ है। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो इस किले के बारे में जानते होंगे। ऐसा इतिहास है क्योंकि हम सोशल मीडिया पर आए दिन ऐसी हॉन्टेड खबरें पढ़ ही लेते हैं। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि ये किला खतरनाक है भी या नहीं, या फिर ये सिर्फ एक अफवाह है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि इस किले के बाहर आपको साफ साफ लिखा हुआ मिल जाएगा कि सूर्यास्त के समय यहाँ पर रुकना वर्जित है, यानी आप सूर्यास्त के बाद यहाँ रुक नहीं सकते। और इसका कारण है कि इस किले में मौजूद भूत प्रेत, ऐसा कहा जाता है। ये भारत का एक ऐसा किला है जहाँ प्रवेश करने वाले को पहले से ही चेतावनी दे दी जाती है। इसके अलावा भारत में कोई ऐसा किला नहीं है जहाँ इस तरह की चेतावनी दी जाती है। तो आखिर यही किला क्यों? माना जाता है कि भानगढ़ के इस किले और आसपास के क्षेत्र में भूत प्रेतों का बसेरा है, ऐसा यहाँ के लोग भी मानते हैं। दूसरी ओर भारतीय पुरातत्व विभाग ने इस खंडर को संरक्षित कर दिया है। यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि वैसे तो पुरातत्व विभाग ने हर संरक्षित क्षेत्र में अपने ऑफिस बनाए हैं, लेकिन इस किले के संरक्षण के लिए पुरातत्व विभाग ने अपना ऑफिस भानगढ़ से कुछ किलोमीटर दूर बनवाया है, यानी कुछ तो गड़बड़ है। आइए पहले जानते हैं कि आखिर इस किले की क्या कहानी है। कहा जाता है कि इस जगह पर एक राजकुमारी रहती थी जिसका नाम रानी रत्नावती था, और एक धूतर जादूगर उसे अपनी पत्नी बनाना चाहता था। उसने कई बार राजकुमारी पर अपनी तंत्र विद्या चलाई और उसे काबू में करना चाहा, लेकिन राजकुमारी भी तंत्र विद्या की ज्ञाता थी और उसने जादूगर के हर वार को विफल करके उसे हरा दिया और उसकी हत्या कर दी। मरते हुए जादूगर ने रानी को श्राप दिया कि अगर मैं नहीं तो तुम भी नहीं, और ना ही तुम्हारी यह प्रजा। इसके बाद कहा जाता है कि रातों रात पूरी जगह खाली कर दी गई थी, और अगले ही दिन एक भयानक तूफान ने पूरे शहर को तबाह कर डाला, और इसके एक वर्ष बाद एक युद्ध में रत्नावती की मृत्यु हो गई। इस जगह पर अगर कोई स्थान आज तक सुरक्षित है तो वो है यहाँ का मंदिर। लोग दिन के समय मंदिर में दर्शन करने आते हैं, लेकिन अंधेरा होने के बाद कोई भी अंदर नहीं जाता। तो अब बात आती है कि आखिर सच क्या है। अगर यहाँ के आसपास के लोगों की माने तो उनका कहना है कि यहाँ रात के समय भूत प्रेत निवास करते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका मानना है कि यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि यहाँ किले के अंदर एक जंगल है जहाँ कई जानवर रहते हैं। यही वजह है कि रात के समय यहाँ जाना मना है। लेकिन कुछ तो बात है कि ये जगह एशिया के सबसे खतरनाक जगहों में से एक है। सरकार का बोर्ड लगा कर लोगों को चेतावनी देना और अपना ऑफिस किले से बहुत दूर बनवाना इस बात की ओर इशारा जरूर करता है कि यहाँ कुछ तो है। वैसे आप क्या मानते हैं कि यहाँ सच में भूत प्रेत है या फिर ये एक अफवाह है? कमेंट कर हमें जरूर बताएं।